जिला पीलीभीत तहसील पुरनपुर के वार्ड नंबर 8 में भाजपा प्रत्याशी अमृता अवस्थी पति श्री विनीत अवस्थी के चुनावी कार्यालय जोगराजपुर का उद्घाटन भाजपा विधायक पुरनपुर श्री बाबूराम पासवान ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर सुल्तानपुर मंडल के अध्यक्ष नीतीश दीक्षित, जिला पीलीभीत तहसील पुरनपुर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान एवं जिला संयोजक रजनीश पांडे जी, महुआ प्रधान अनुपम वाजपेयी, जोगराजपुर प्रधान जगदीश वर्मा एवं वार्ड नंबर 8 की सम्मानित जनता उपस्थित रही। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान जी ने वार्ड नंबर 8 की जनता से भाजपा प्रत्याशी अमृता अवस्थी पति श्री विनीत अवस्थी को वोट देने का आग्रह किया और लोगों से कहा कि वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत हो। R9 भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि आ रही है फरुखाबाद से। जिले में एंटी रोमियो व नारी सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। सरेरा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में युवक महिलाओं से करते हैं छेड़छाड़। शहर कोतवाल की लापरवाही के चलते शहर क्षेत्र में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। 3 दिन पूर्व भी महिला से एक युवक ने सरे बाजार की थी छेड़खानी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने पर भी पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। महिलाओं से सरे बाजार, युवक की छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है। महिला से छेड़छाड़ करना एक युवक को पड़ा महंगा। सरे बाजार महिलाओं ने युवक को पीटा। रास्ता चलते युवक महिलाओं से कर रहा था छेड़खानी। पीड़ित महिलाओं ने चौक चौराहे पर युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद भी पुलिस महकमा हरकत में नहीं आया है और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के चौक चौराहे का मामला है। R9 भारत पर इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है फरुखाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर है प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही, कोरोना पर बढ़ सकती है बारी। प्राइवेट बस संचालक क्षमता से अधिक सवारियां भर रहे हैं, कोविड-19 का नहीं कर रहे हैं पालन। जिले में लगातार आधा सैकड़ा से अधिक निकल रहे कोरोना मरीज, जिसके बाद भी बस संचालक इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट बसों में सैनिटाइजर मास्क आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं है। चतुर्वेदी बस सर्विस की लापरवाही से कभी भी फूट सकता है कोरोना बम। बस संचालकों की लापरवाही के चलते मरीजों का आंकड़ा पहुंच सकता है 500 के पार। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर आवागमन करती चतुर्वेदी बस सर्विस की गाड़ियां हैं, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की है। खबर जालौन से है, जहां आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने नंदीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। साथ ही जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिससे अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके। यह मुठभेड़ जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के नावली के जंगल में हुई है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बाधा पहुंचाने के लिए बदमाश जंगल में योजना बना रहे हैं, जिस पर रेंडर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह व उच्च अधिकारियों ने इसकी सूचना दी, जिस पर ASP के निर्देश पर स्क्वाड टीम प्रभारी प्रवीण यादव और सर्विलांस की टीम मौके पर आ पहुंची और नावली के जंगलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया, जहां पुलिस को कुछ बदमाश योजना बनाते दिखे, जिस पर पुलिस ने उन्हें की गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन उनके पहले ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचते हुए पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई और इसी बीच अन्य बदमाश बीहड़ का फायदा उठाते हुए मौके से भाग निकले, जहां पुलिस ने उसका पीछा किया। साथ ही सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। वहीं गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस नंदीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आई है, जहां उसका इलाज चिकित्सकों द्वारा शुरू कर दिया गया है। घायल बदमाश के बारे में बताया जा रहा है कि वह ग्वालियर का रहने वाला है, जिसका नाम भूपेंद्र उर्फ निक्की है, जिसके खिलाफ ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खोजने में लगी हुई है। क्या सफलता मिली? थाना एडर क्षेत्र में आज दोपहर लगभग 3-4 के बीच में नावली ग्राम के आसपास एक संदिग्ध सफारी स्टोर गाड़ी दिखाई दी, जिसकी पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो गाड़ी में सवार थे, अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। इसमें 6-7 लोग पूरे गाड़ी में थे। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ निक्की के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जनपद में, जो आपका जालौन जनपद है, इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई प्रकार की चोरियाँ, घरों में घुसकर चोरियाँ की हैं। इसके अलावा इसके गैंग में जो और 6-7 लोग हैं,
उन पर भी भिंड में और ग्वालियर में लगभग 25 से 30 मुकदमे ये बता रहे हैं कि चोरी के, हत्या के, लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। हार्डकोर क्रिमिनल का गैंग है 7-8 लोगों का, जिनके पास में एक सफारी गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाड़ी को बदल बदल के विभिन्न जिलों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जनपद ललितपुर में, जनपद झांसी में, जनपद जालौन में और मध्य प्रदेश में घरों में घुसकर चोरी की घटनाएं करते हैं। से कितने लोगों का गैंग था और जनपद जालौन में कौन से कहां कहां इनका हाथ चोरियों में रहा है? देखिए, 7 लोग अभी हमें ट्रेस हुए हैं, जो घायल है उसने बताया कि 7 लोग अभी हैं, लेकिन किसे ये सामान चोरी का या लूट का जो भी सामान था किसे ले जाके बेचते थे वो भी इनके गैंग का सदस्य होगा। जो गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है उसका भी तस्दीक किया जा रहा है कि वो चोरी की है या कैसी है, और इसके अलावा इनके पास से चांदी के आभूषण और जो हथियार ये प्रयुक्त करते हैं, जो कटर यूज़ करते हैं ताला काटने के लिए, तमंचा, कारतूस, सब कुछ पुलिस को बरामद हुआ है। 7 लोगों का इनका गैंग है। सर, घायल बदमाश का क्या आपराधिक इतिहास है? घायल बदमाश पर अभी जो पता चला है आर्म्स एक्ट का और मर्डर का केस ग्वालियर में दर्ज है इसके ऊपर, और बाकी इसके जो 6-7 साथी हैं उन पर 25 से 30 मुकदमे दर्ज हैं। सर, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, ये किस विभाग में था पहले या कुछ? जी, जो अभी तक थाना और SSG की टीम ने जो वहाँ पर पूछताछ की है उसमें बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही है, बर्खास्त है, इसे बर्खास्त कर दिया गया था, जो जानकारी मिली है वो तक ये। सर, जालौन पुलिस की तरफ से कोई हानि या कोई किसी तरह की? नहीं, काफ़ी राउंड बदमाशों के द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस इसमें सुरक्षित है और पुलिस की बहादुरी को देखते हुए इसमें 10,000 का इनाम मेरी तरफ से पुलिस को किया गया। ठीक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर के निर्देशानुसार क्राइम फ्री के तहत स्क्वाड टीम की मदद से माधोगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 2 शातिर अपराधियों को अवैध बंदूक व तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल माधोगढ़ CO साहिबा नसीम के दिशा निर्देश में वांछित अपराधी, शराब तस्कर व अन्य शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान में प्रभारी निरीक्षक BLK कुशल नेतृत्व में स्क्वाड की टीम व माधोगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें मुखबिर द्वारा पुलिस को 2 शातिर अपराधियों की सूचना मिली, जिस पर प्रभारी निरीक्षक BL यादव ने स्क्वाड टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को पहुंच नदी पुल ग्राम गोपालपुरा से दबोच लिया। अभियुक्त विशाल यादव पुत्र शिवराज यादव ग्राम गोपालपुरा व सुनील पुत्र कमलेश ग्राम गोपालपुरा को एक अदद SBBL गन व एक तमंचा 12 बोर 2 अदद जिंदा कारतूस एक एंड्रॉइड फोन अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। अपराधियों को गिरफ्तार कर माधोगढ़ कोतवाली लाया गया व अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत उन्हें जेल भेज दिया गया। अपराधियों के गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक प्रवीण कुमार, SOG प्रभारी, उप निरीक्षक कुलभूषण, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा आदि मौजूद रहे। थाना क्षेत्र में 2 अभियुक्तों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला? कल रात्रि, कल 11/4/2021 की रात्रि 9:05 पे मुखबिर की सूचना पे हमारी जॉइंट टीम, जिसमें SWAT टीम, सर्विलांस टीम और माधोगढ़ पुलिस है, इस जॉइंट टीम ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। इनके कब्जे से एक SBBL गन हमें मिला, एक तमंचा, कारतूस और एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। इन बदमाशों के नाम सुनील कुमार है और विशाल यादव है। ये बदमाश जो हैं हमारे ही माधोगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुरा के रहने वाले हैं, और इनके विरुद्ध जो है माधोगढ़ थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, और इससे इस अपराध से संबंधित अन्य जो भी अपराधी हैं उनकी तलाश जारी है। आमतौर पर नववर्ष की धूम भारत में 1 जनवरी को दिखाई पड़ती है। वही अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस नए साल को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन शाहजहांपुर में मिशन शक्ति की महिलाओं ने इस बार अनोखा काम किया है। हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए न केवल लोगों से अपील की, बल्कि शोभा यात्रा के जरिए शाहजहांपुर के लोगों को जागरूक भी किया कि इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहर में शोभा यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दिया। इस अनूठी शोभा यात्रा को लोगों ने स्वागत किया और अनेकानेक बधाई संदेश भी दिए। दरअसल पूरे देश में जहां अंग्रेजी नववर्ष को तो लोग धूमधाम से मनाते ही हैं, लेकिन अब अपनी प्राचीन संस्कृति भी वापस आती दिखाई दे रही है। हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना चैत्र कहलाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत पूरे देश भर में हर्षोल्लास के माहौल के साथ होती है। इस साल यह नववर्ष मंगलवार को शुरू हो रहा है
और इस दिन नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में मांगलिक कार्य भी आरंभ हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष आमतौर पर हर्षोल्लास के साथ आमजन तक नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे में शाहजहांपुर की मिशन शक्ति के सैकड़ों महिलाओं ने पहल करते हुए इस बार शहर की जनता को न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें नववर्ष मनाने की अपील भी बनखंडी नाथ मंदिर से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक इस नववर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ महिलाओं ने सड़कों पर नववर्ष के मंगल गीत गाकर लोगों को जागरूक किया, वहीं शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। ज्यादातर हमें लगता है कि अंग्रेजों वाला नया साल मनाया जाता है और हिंदू नव संत वर्ग कम मनाया जाता है, इसे यहाँ कुछ लोग तो जानते भी नहीं है। तो हम अपनी हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नववर्ष मनाने के लिए ये शाहजहांपुर की धरती पे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं कि हमें अपना नया साल मनाना चाहिए। हिंदुओं का जब नया साल प्रारंभ होता है, नई ऋतु बदलती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तरह तरह के फूल खिलते हैं, देवी पूजा आती है, हम लोग नवरात्र का व्रत करते हैं और अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से हमारा नया साल शुरू होता है। जबकि अंग्रेजों का नया साल आता है तो लोग एक दिन पहले पार्टी करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू परंपराएं दुनिया में सबसे अच्छी है, इसीलिए हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने जा रहा है। इसी की एक कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये भगवा यात्रा निकाल रहे हैं, अपना नया साल जोर शोर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं।